नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं और अब की बार उनके निशाने पे है मध्य प्रदेश का ड्रग्स माफिया। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बड़ी बैठक की है जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ कई संभागायुक्त और जिला कलेक्टरों को जोड़ा गया और उनसे ड्रग्स की जो लगातार समस्या बढ़ रही है ना केवल बात की गई उस पर बल्कि किस तरीके से ड्रग्स माफिया की कमर तोड़नी है इसके आदेश भी दिए गए। इससे पहले कि मैं आगे विश्लेषण करूं और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया उसके बारे में बताऊं, सबसे पहले सुनते हैं कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या रुख था ड्रग्स माफिया के खिलाफ। मैं किसी को बिना तथ्य के टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन पूरी सजगता से एक विशेष अभियान हमारा प्रशासन, विशेषकर पुलिस प्रशासन, उनके साथ कलेक्टर कमिश्नर जो जरूरी है मिलकर इस अभियान को चलाए और इन ड्रग माफियाओं को उखाड़ फेंके, इनको जड़ों से उखाड़ना है। ऐसी कार्रवाई हो के मध्य प्रदेश में जो इस कारोबार में, दरअसल बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं उनमें लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां पर ड्रग्स माफिया सक्रिय काफी ज्यादा हो चुका है। लगातार वहां पर नशे के फलते फूलते कारोबार से जुड़ी खबरें भी निकल के सामने आ रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और हाल ही में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रग्स माफिया बेनकाब हुए हैं उसके बाद चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं जहां पर ड्रग्स और ये नशे का जो पूरा कारोबार फल फूल रहा है उन तमाम जिलों के सभी वरिष्ठ अफसरों को इस बैठक में रखा था। वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें जुड़े हुए थे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जो समाज में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं और उनकी कमर तोड़ दी जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के 15 जिले, अगर यूं देखा जाए तो देश के 250 से ज्यादा जिले हैं जहां पर नशे का काला कारोबार होता है, इसमें से मध्य प्रदेश के 15 जिले हैं। खासतौर से मालवा का जो इलाका है या फिर जब हम बात करते हैं महाकौशल के कई इलाके हैं जिसका जिक्र किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में, यहां पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में बड़ी बात ही निकल के आई है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो युवा वर्ग है खासतौर से उनमें इस जहर को परोसा जा रहा है और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं। जिस तरीके से इंदौर में जिम जाने वाले युवक युवतियों को ये नशा परोसा जा रहा था उसका, और इसके साथ ही प्रदेश के जो बार्स हैं, हुक्का बार हैं, पब है, यहां पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की जगहों पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है नशे के लिए। और एक गंभीर बात जो मुख्यमंत्री ने कही इस बैठक में वो ये कि ऐसी खबरें भी उनके पास आ रही है कि कई कॉलेजों की कैंटीन तक ड्रग्स पहुंच चुका है। तो मुख्यमंत्री काफी सख्त थे और आज उन्होंने एक बार फिर से ये साबित किया कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो लगातार वो अफसरों की बैठक ले रहे हैं और उसे वो इतनी आसानी से अपने हाथ से इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे और इसीलिए अगला प्रहार ड्रग्स पर होगा। माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही दे चुके हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो लोकल स्तर पर जो माफिया होते हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है, उनके ठिकानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी अवैध संपत्तियों को ढाया जा रहा है और अब ड्रग्स माफिया पर भी शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शांति का टापू जो मध्य प्रदेश कहा जाता है, यहां पर रहने वाले लोगों की नसों में, युवा और युवा जो वर्ग है खासतौर से उनकी नसों में जो जहर घोला जा रहा है उससे प्रशासन सख्ती से निपटे और कड़ी कार्रवाई करे ताकि ड्रग्स माफिया मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म हो सके।